विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधेयक पारित, लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए केस, केरल में चिंताजनक बनी हुई है स्थिति। केरल में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, कोविड प्रबंधन के लिए केंद्र ने रवाना की 6 सदस्यीय टीम, स्वास्थ्य सचिव ने भी किया अलर्ट। वाराणसी के गंगा छोर पर होगा गेटवे ऑफ कॉरिडोर, जलाभिषेक के लिए सीधे बाबा दरबार पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड टाइगर डे पर प्रदेश के पूरे वन अमले को बधाई दी है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा और बढ़ाएगा भी। मुख्यमंत्री ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल हुए बाघ पुनर्स्थापना का विशेष उल्लेख किया है और सतपुड़ा के घने जंगलों में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या को लेकर भी प्रसन्नता व्यक्त की है। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है, ये प्राकृतिक वही। भोपाल में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर जानकारी देते हुए बताया है कि आज कोरोना के कुल 2 केस सामने आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के किसान कर्ज माफी पर कहा है कि जिसने मुख्यमंत्री बदलने की घोषणा की थी वो व्यक्ति किसानों के कर्ज माफ करने पर क्या बोल रहा है। आइए जानते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। आज 22 नए केस आए हैं, 19 ठीक होके अपने घरों के लिए गए हैं, 22 नए में मूल 3 जगह के हैं, 4 पन्ना से हैं, 7 इंदौर से हैं, 3 भोपाल से हैं, 133 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं, 70,103 सैंपल हमने कोरोना के कल लिए। वहीं दूसरा पक्ष मैं यह भी कहना चाहूंगा उन कांग्रेस के मित्रों से कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब कोरोना के केस बढ़े तो आपने हाहाकार मचा दिया इंटरव्यू दे दे के। इंदौर शहर में वैक्सीनेशन को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन सहित अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर 1,000 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। आपको बता दें कि अभी तक करीब 85% शहरवासियों का पहला वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट हो चुका है और इसी के चलते अब समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन व्यक्तियों को दूसरा डोज लगवाया जाना है उन्हें प्राथमिकता के रूप में लिया जाए और इसी दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर सुविधाजनक रूप से गर्भवती महिलाएं अपना वैक्सीनेशन का डोज ले सकेंगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को पहले से इतिहास बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है और लगातार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की बैठक पर कहा है कि कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है। आइए जानते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उन्हें निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पर मुद्दा यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्या वो अपना 15 महीने का नकारा कार्यकाल जनता को बताएगी? क्या वो ये बताएगी कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के
वहीं सीहोर के इच्छावर जनपद पंचायत के परिसर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के 17 संगठनों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ कलम बंद हड़ताल पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के अनेक हड़ताली अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। मोर्चा जो बना है इसमें हमारी जो मांगे हैं, 22 तारीख से हम बैठे हैं हड़ताल पर, इसमें हमारी सारी सभी विभागों के कर्मचारी की मांगे हैं वो जब तक। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसको टिकट देती है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जहां भी उपचुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। वहीं मूंग और दलहन की फसल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यसभा भी मदद कर रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। ये वर्ष किसानों का वर्ष रहेगा और सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना है 2022 तक, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने किसान की आय दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। हमने पहले चना सरसों मसूर का 15 मार्च से खरीदी करके किसानों को समर्थन मूल्य से 2000 रुपये कुंटल अधिक तक दिलाया है सरसों का, और इस प्रकार हजारों करोड़ का किसानों को फायदा पहुंचाया। अभी भी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी MY अस्पताल में एक बार फिर से शमशार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अस्पताल में एक महिला मरीज डायलिसिस कराने के लिए गई थी, लेकिन यहां जांच के दौरान अस्पताल के ही कर्मचारी ने महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन पूरा मामला अस्पताल अधीक्षक संज्ञान में है। अस्पताल के प्रबंधन के मुताबिक छेड़छाड़ से जुड़ी शिकायत मिली है और अब अस्पताल प्रबंधन आगे की जांच में जुटा हुआ है। वहीं मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें 2 ढाबा संचालक और 1 आबकारी ठेके का संचालक है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जहां तक उन स्थानों पर कार्रवाई का प्रश्न है, तो जिले में जहाँ जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई है पिछले दिनों में, उन स्थानों पर अवैध जो भी निर्माण थे उसको हटाया गया है और ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है और गलत पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक और भी कोशिश की जा रही है कि लोगों से संपर्क बनाया जाए, जो विलेज लेवल की और वार्ड लेवल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं उनके साथ सभी SDMs बैठक कर रहे हैं और उनको सक्रिय कर रहे हैं ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान हो और कहीं भी अगर अवैध तरीके से गलत जगह पर बिकती हुई दारू प्राप्त होती। इंदौर में पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने करीब 18 थाना क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर चेकिंग की है। पिछले दिनों शराब कारोबारियों में हुए गोली कांड के बाद शराब दुकान और अहाते पुलिस के निशाने पर है। अभियान में कई संदिग्ध पुलिस के हत्थे भी आए हैं। पुलिस का मानना है कि शहर में होने वाले अपराधों की प्लानिंग कहीं ना कहीं इन्हीं शराब अहातों पर बैठकर बनाई जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो अहाते हैं, अहातों में अवैध शराब की जो है बिक्री की जाती है और इसके अलावा कुछ पब और बार हैं जिन पे कि कई तरह की जो गतिविधियां हैं गलत हैं वो होती हैं, तो उसके संबंध में आज यहां पे फोर्स को इकट्ठा किया गया है। और वहीं आष्टा में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन भी किया है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, हर चीज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम। वह इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग संयुक्त मोर्चा के जो भी अधिकारी और कर्मचारी
मध्य प्रदेश ग्रामीण एवं पंचायत विभाग थे, जो भी मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जो कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं, हम सभी संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी सभी जायज मांगों का समर्थन करते हैं और हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द। वह इंदौर में नेशनल कंपटीशन खेलने जा रहे दो राइफल शूटर सड़क हादसे के शिकार हुए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। आपको बता दें कि इस हादसे में राइफल शूटर नमन पालीवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला शूटर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर रितेश पाटीदार ने बताया है कि दोनों खिलाड़ी जयपुर के लिए नेशनल कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। तेज गति वाहन से इंदौर से जयपुर के लिए किसी नेशनल कंपटीशन में खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मोदी पेट्रोल पंप के आसपास असंतुलित वाहन के डिवाइडर से टकरा जाने से दुर्घटना हुई है। उसमें विजय जो थे उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई, और उनके साथ में एक जो महिला थी नमन जो थे उनकी रास्ते में डेथ हो गई स्पॉट पे, और महिला जो थी उनको काफी गंभीर। वहीं जावरा में बारिश के कारण कई रास्ते पूरी तरह से बंद पड़े हैं, इसकी वजह से लोगों के आवागमन में काफी समस्याएं आ रही हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि रास्ता खराब होने की वजह से आए दिन कई बड़े हादसे होते रहते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कई बार गांव के सरपंच से इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों के निर्माण पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यही समस्या सर, रोड की ट्रैक्टर फंस गया परसों शाम को। क्या समस्या? पूरे गाड़ी नहीं निकल रही है, समस्या यही पूरे गाँव वाले को तकलीफ आ रही है। और क्या, ट्रैक्टर नहीं निकल रहे, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही, पैदल जाने के रास्ता नहीं है तो कहाँ निकले। वहीं भोपाल में ओबीसी को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, बीजेपी इसके समर्थन में है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं उच्च न्यायालय में सरकार पूरी ताकत के साथ ये पक्ष रखेगी कि 27% आरक्षण ओबीसी को ही मिले, लेकिन कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। इसके साथ ही मंत्री ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। आइए जानते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले, ये सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। 1955 में जातिगत जनगणना पर उस समय नेहरू जी ने रोक लगाई थी, और उस कारण से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, और नहीं तो उस समय ओबीसी को आरक्षण मिल जाता। मैं सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। खबर नाहरगढ़ से है, जहां पुलिस ने अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल सड़क किनारे अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अवैध कब्जे को हटवाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अवैध मकान जिस तरह से बन रहे थे उसको हटाने के लिए पहले से सूचना के रूप में नोटिस भी दी गई थी, लेकिन आज तक किसी ने अतिक्रमण को नहीं हटवाया, जिसके बाद पुलिस आज एक्शन में आई और तत्काल मामले की कार्रवाई की। वहीं आदिवासी समाज ने आदिवासी भवन सिलवानी में बनाए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक रामपाल सिंह का पुतला दहन किया है। जिस समय पुतला दहन हो रहा था उस समय ठाकुर रामपाल सिंह मंडल कार्य समिति की बैठक ले रहे थे। पुतला दहन की भनक पुलिस को नहीं लगी और पुतला दहन किया गया। आक्रोशित आदिवासी समाज ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया गया है कि अगर आदिवासी भवन सिलवानी में नहीं बनाया गया तो सर्व आदिवासी समाज गांव के को बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का क्षेत्र विधायक और ठाकुर रामपाल सिंह का पुतला फूंका जाएगा और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी लगातार किए जाएंगे। वहीं सिलवानी में मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है और इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा के विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ठाकुर रामपाल सिंह ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास का कार्य किया है।
अगर हम किसानों की हित की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है, जिससे कि हमारा किसान परेशान ना हो सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से नगर सेवा मंडल कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। वहीं भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह और जीतू पटवारी ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि नकली सरकार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। वहीं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि नकली सरकार में नकली योजनाएं चलाने का काम भी काफी तेजी के साथ हो रहा है। कमलनाथ सरकार ने बिजली बिल को लेकर योजना चलाई 100 रुपए में 100 यूनिट, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही योजना बंद कर दी गई। आइए जानते हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आपकी सरकार अंधी हो गई थी। गृह मंत्री जी ये बताएं कि इतनी जो लगातार 150 से ज्यादा मौतें पूरे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हो गई, आपका विभाग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इनके लिए, दोषियों के लिए क्या सजा नियत की गई अभी तक, और जो मौत हो गई उसकी जिम्मेदार क्या गृह मंत्रालय नहीं है तो कौन है? ये झूठ, ये पाखंड, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की प्रक्रिया लगातार 17 साल से चल रही है। जनता देख रही है, 23 में सबक सिखाएगी। हम लोगों ने पूरा खाका भी तैयार कर रहे थे कि इस पूरी योजना की एक तरीके से समस्त सेक्टरों की जांच भी कराई जाए। उसके पहले सरकार में परिवर्तन हुआ। जो कार्रवाइयां ये बता रहे हैं वो हमारी सरकार की जांच में हुई कार्रवाइयां हैं, जो मंडला डिंडोरी में, या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मंडला डिंडोरी में जो कार्रवाई है और उठाए वो हमारी सरकार में रिकवरी के आदेश, सस्पेंशन के आदेश सब जारी हो गए थे। यहां तक कि हमने 2 अधिकारियों का डिमोशन भी कर दिया था, प्रमोशन हमारे समय में। वही मंदसौर में जहरीली शराब कांड मामले में गठित की गई एसआईटी की टीम पहुंची है। 3 सदस्य एसआईटी टीम ने मृतकों के घर पर पहुंचकर बयान लिए, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान एसआईटी प्रमुख राजेश ने जहरीली शराब से 7 लोगों की संदिग्ध मौत होने की पुष्टि की है। राजेश राजौरा ने बताया है कि अभी की हालत में 6 व्यक्तियों का इलाज जारी है। एसआईटी प्रमुख ने भरोसा जताया है कि मामले में जांच कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वहां पर जो आरोपी थे और जो वहां पर गवाह थे उन सब से चर्चाएं की डिटेल में, और आज भी अस्पताल आए हैं यहाँ पर जो भर्ती हैं इनसे विस्तार पर चर्चा हुई है, और इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तेजी से किया जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी हो। वहीं मंदसौर में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जमाखोर काला बाजारी कर लागत मूल्य से अधिक अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश के बाद दलौत तहसीलदार संजय मालवीय ने टीम गठित कर 5 लोगों को एक समय पर अलग अलग 5 दुकानों पर खाद खरीदारी के लिए भेजा, जहां पर पता चला कि दुकानदार बाजार मूल्य से 100 रुपए अधिक बढ़ाकर वसूली कर रहे हैं, जिसके बाद दलौदा तहसीलदार संजय मालवीय ने जांच कर 4 दुकानों को सील कर दिया है। यूरिया खाद बेचने की शिकायत मिल रही थी, तो आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने योजनाबद्ध तरीके से टीम तैयार की, 5 ग्राहक तैयार किए, उनको पैसे देकर 5 दुकानों पर भेजा। सभी दुकानों पर अनियमितता पाई गई, किसी ने 340, किसी ने 350 में हमारे ग्राहकों को खाद दिया। उससे हमने ये सिद्ध पाया कि सभी दुकानों पर कालाबाजारी चल रही है, सभी दुकानों को सील किया गया है। वहीं भोपाल में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मंत्री का पीए बताकर महिला के साथ 75,000 रुपए की ठगी की है। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के पीए विजय बुधवानी ने क्राइम ब्रांच में फर्जी पीए की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आरोपी जबलपुर का रहने वाला है, संदिग्ध फूल का व्यापार करता है। आरोपी ने खुद को उच्च शिक्षा मंत्री का पीए बताकर ट्रांसफर के नाम पर महिला से 75,000 की ठगी कर ली। जिस नंबर से आरोपी ने महिला को फोन किया था, पुलिस उस नंबर की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वही पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री है, उनका जो OSD है उनका कोई नाम का दुरुपयोग कर इसमें पैसों की ठगी करना, ट्रांसफर कराने के नाम पर, प्रमोशन कराने के नाम पर, इसमें हम लोगों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कर ली है।
और इसमें हम लोग अपनी तकनीकी एनालिसिस से और बाकी हम सूचना संकलन से इसमें हम लोग। वहीं भोपाल में बड़े तालाब के गहरीकरण के नाम पर अवैध खुदाई चल रही है, इसकी खबर नगर निगम जल संरक्षण विभाग को भी है, लेकिन इसके बाद भी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के कारण नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं भोपाल के कमला नगर इलाके में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक रिश्तेदार युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने मामले की शिकायत तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी बच्ची 17 साल की, उसने शिकायत की थी कि मेरे साथ में जो उनका ही एक रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार नहीं दूर का एक रिश्तेदार है जो जिसका घर में आना जाना भी था, उसके द्वारा उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। इसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर। फिलहाल के लिए इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।